हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरठालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है उड़ीसा राज्य से। तो उड़ीसा राज्य में कुछ समय पहले डॉल्फिन सेंसस जो है, डॉल्फिन की जनगणना जो है वो की गई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उड़ीसा में डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन को लेकर के सामने आई है। तो विस्तार से इस पूरे के पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। उड़ीसा राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, studyiq.com या studyiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो studyiq के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो हाल ही में डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन जो है वो एक सेंसस से, एक जनगणना से जो है वो ओडिशा के अंदर जानने का प्रयास किया गया, जिसमें ये बात जो है वो सामने आई है कि ओडिशा में ऑन दी होल डॉल्फिन पॉपुलेशन जो है वो बड़ी है, लेकिन जब बात आती है ओडिशा की फेमस चिलिका लेक की तो वहाँ पर इरावड़ी डॉल्फिन जो है उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो समराइज करते हुए सेंसस में सामने आई हैं। चिलिका लेक जो कि एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है अपने इरावड़ी डॉल्फिन्स के लिए, वहां पर इन इरावड़ी डॉल्फिन्स का जो नंबर है उसमें भारी गिरावट देखी गई है। 2021 में 162 इरावड़ी डॉल्फिन्स जो है वो उड़ीसा के चिलिका लेक में पाई गई थी, लेकिन 2021 में ये नंबर जो है वो 151 रह गया है। यानी कि करीब 11 डॉल्फिन्स जो है वो चिलिका लेक से निकल करके या तो बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है वो चली गई, जिस वजह से चिलिका लेक जो है वहां पर गिरावट जो है वो डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन में देखी गई है। दोस्तों, डॉल्फिन वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंडली एक क्रिएचर जो है वो माना जाता है। तो डॉल्फिन जो है वो अलग अलग जगहों पर मौजूद रहती हैं, जिसमें ओडिशा के अंदर डॉल्फिन की काफ़ी पॉपुलेशन देखी जाती है। तो कुछ महीने पहले ये सेंसस जो है वो हुआ था। मंथ्स आफ्टर अंडरटेकिंग अ सेंसस इन डिफरेंट वाटर बॉडीज ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, ओडिशा के तट पर अलग अलग जलाशयों में, अलग अलग जल निकायों में एक जनगणना करने के बाद जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ है उड़ीसा के, उन्होंने ये डेटा जो है वो साझा करा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2021 के कंपैरिजन में ओवरऑल उड़ीसा के अंदर डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है। 2021 में जहां उड़ीसा में डॉल्फिन जो है वो 544 थी, 544 डॉल्फिन उड़ीसा में मौजूद थी, ये नंबर जो है वो 2022 में बढ़कर के 726 हो चुका है। लेकिन चिलिका लेक जो है यहाँ पर डॉल्फिन्स का नंबर जो है वो काफ़ी कम हुआ है, गिरावट जो है वो देखने को मिली है। टोटल 6 अलग अलग प्रजातियों की डॉल्फिन्स जो हैं वो ओडिशा के अंदर पाई जाती हैं। इस सेंसस के अंदर 6 डॉल्फिन्स जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। ये 6 डॉल्फिन्स कौन सी हैं? इरावड़ी डॉल्फिन है, बॉटल नोज डॉल्फिन है, हम बैक डॉल्फिन है, स्ट्रिप डॉल्फिन है, फिनलेस डॉल्फिन है और स्पिनर डॉल्फिन है। तो ये 6 स्पीशीज जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इनके बारे में अगर हम बात करें तो इरावड़ी डॉल्फिन्स जो है ये शेड्यूल वन ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत आती हैं और IUCN में इनको एंडेंजर्ड स्पीशीज में रखा गया है। तो इनको जो है वो संरक्षित रखने की जरूरत है, इनकी कंजर्वेशन जो है वो इरावड़ी डॉल्फिन्स की इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक और प्रजाति है इंडो पैसिफिक बॉटल नोज डॉल्फिन, ये जो है ये जनरली आती है शेलो कोस्टल वाटर्स ऑफ इंडियन ओशियन, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इज नियर थ्रेटेंड एज पर IUCN रेड लिस्ट। IUCN की रेड लिस्ट में इरावड़ी डॉल्फिन जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और जो इंडो पैसिफिक बॉटल नोज डॉल्फिन है वो रेड लिस्ट में आती है। तीसरी प्रजाति जो उड़ीसा के अंदर पाई जाती है वो है इंडियन ओशियन हम्प बैक डॉल्फिन, ये जो है ये इंडियन ओशियन में और साउथ अफ्रीका के अंदर पाई जाती है एंड इज अंडर एंडेजर्ड कैटेगरी ऑफ IUCN रेड लिस्ट। तो इंडियन ओशियन, भारत से लेकर साउथ अफ्रीका तक का जो रीजन है इंडियन ओशियन का, वहां पर ये डॉल्फिन जो है वो पाई जाती है, रेड लिस्ट कैटेगरी में ये आती है। एक और प्रजाति जो कि स्ट्रिप्ड डॉल्फिन कहलाती है, ये काफी मात्रा में नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ओशियंस में, मेडिटेरेनियन सी में, गल्फ ऑफ मेक्सिको में, इंडियन ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में, ऑलमोस्ट सभी मेजर वाटर बॉडीज के अंदर जो है ये पाई जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्ट्रिप डॉल्फिन जो है वो ग्लोबली मौजूद है, जिस वजह से, इसी कारण से इसको लीस्ट कंसर्न्ड कैटेगरी ऑफ IUCN रेड लिस्ट में रखा गया है। तो ये स्ट्रिप डॉल्फिन भी जो है वो ओडिशा के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा फिनलेस डॉल्फिन जो है,
इट इज ओरिजिनली इनहेबिटेड इन द सॉल्ट वाटर नीचेस अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडो पैसिफिक ओशियन एंड कम्स अंडर क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी। इरावडी डॉल्फिन जो है वो हमारी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, फिनलेस डॉल्फिन जो है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। ये सॉल्ट वाटर एरियाज में पाई जाती है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। और उसके बाद आती है स्पिनर डॉल्फिन, ये छोटी सी डॉल्फिन जो है ये सभी ट्रॉपिकल एरियाज के वाटर बॉडीज में मिलती है। इट इज फेमस फॉर एक्रोबैटिक डिस्प्लेज इन विच इट रोटेट्स इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एज इट लीव्स थ्रू द एयर। आप सभी ने देखा होगा डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन का शो होता है जहां पर डॉल्फिन जो है वो पानी से बाहर आती है, एक हवा में एक छलांग लगाती है और उसके बाद वो खुद को रोटेट करती है। तो उस वजह से, उस रोटेट करने की क्वालिटी की वजह से, स्पिन करने की क्वालिटी के कारण इसको स्पिनर डॉल्फिन जो है वो कहा जाता है। तो ये साइज में छोटी होती है और ऑलमोस्ट दुनिया के अलग अलग कोनों में पाई जाती है। ये वो 6 स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन जो है वो ओडिशा के अंदर मौजूद है। 208 इरावड़ी, 155 बॉटल नोज, 332 हमबैक, 13 स्ट्रिप्ड, 3 फिनलेस और 15 स्पिनर डॉल्फिन जो है वो इस सेंसस ड्राइव के दौरान भारत के अंदर पाई गई है, सॉरी ओडिशा के अंदर पाई गई है। जिसमें ओवरऑल तो ओडिशा में इंक्रीज जो है इन डॉल्फिन्स का हुआ है, लेकिन चिलिका लेक में ये डॉल्फिन्स कम हुई हैं। चिलिका लेक की अगर हम बात करें तो एशियाज लार्जेस्ट और वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट लैगून है। लैगून क्या होता है? ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा लैगून है। लैगून दरअसल एक छोटी सॉल्ट वाटर लेक होती है जो समुद्र से रेत या रॉक के माध्यम से अलग होती है, यानी कि समुद्र के बिल्कुल करीब ये लेक जो है वो मौजूद होती है। समुद्र का ही पानी जो है वो समुद्र के मेन वाटर बॉडी से थोड़ा अलग हो जाता है, उसके बीच में रेत आ सकती है या कुछ रॉक्स आ जाती हैं जिससे वो मेनलैंड सी से अलग हो जाता है और साइड पर एक झील की तरह जो है वो बन जाता है। सॉल्ट वाटर लेक होती है क्योंकि समुद्र का ही पानी यहाँ पर होता है, इसे लैगून कहा जाता है। यानी कि समुद्र की तटरेखा के बिल्कुल करीब ये लेक्स मौजूद होती हैं। और इसी प्रकार की लगून जो है वो चिलिका लेक भी है। चिलिका लेक दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट और एशिया की सबसे बड़ी लगून मानी जाती है। यहां पर हम इसके एक्सप्लेनेशन से समझ पाएंगे, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसे कहते हैं, ये बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल करीब ये चिलिका लेक मौजूद है, सॉल्ट वाटर लेक है। और जो हमने लैगून की डेफिनेशन की बात करी, बिल्कुल उस डेफिनेशन को ये फुलफिल करती है कि समुद्र से अलग होकर के बीच में रेत आ सकती है या पत्थर आ सकते हैं जिससे ये वाटर बॉडी अलग होती है और ये लैगून जो है वो बनती है। ये ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में लाई करती है, इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, सेपरेटेड फ्रॉम द माइटी बे ऑफ बंगाल बाय अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ सैंड। तो जो प्रॉपर्टीज एक लगून की होती हैं, क्या होता है कि मेनलैंड वाटर से, सी से, सैंड या रॉक की मदद से जो है ये अलग होती है। तो यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ओडिशा के तट पर इस तरीके से एक सैंड की, एक रेत की दीवार से ये मेनलैंड वाटर बॉडी से अलग होती है। और इस चिलिका लेक को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये चिलिका लेक जो है वहाँ पर जो डॉल्फिन्स है उनकी पॉपुलेशन कम हुई है। इट इज लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। चिलिका लेक का जो इलाका है ये सबसे बड़ा ऐसा एरिया है जहां पर प्रवासी पक्षी, आप सभी जानते हैं दुनिया के अलग अलग कोनों से, साइबेरिया तक से माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो इस एरिया में आते हैं। तो सबसे बड़ा ग्राउंड जहां पर ये प्रवासी पक्षी आकर के रहते हैं वो ये चिलिका लेक का इलाका है। इट इज होम टू नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दुनिया भर की बहुत सारी पौधों की और जानवरों की प्रजातियां जो एंडेंजर्ड के हैं, जो थ्रेटेंड हैं, वो सारी की सारी प्रजातियां काफ़ी ज़्यादा नंबर में इस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। तो फ्लोरा एंड फौना के हिसाब से चिलिका लेक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डॉल्फिन्स की पॉपुलेशन भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों ये आर्टिकल जो है वो ओडिशा राज्य से संबंधित था। आई होप हम विस्तार से इस आर्टिकल को समझ पाए होंगे। ओडिशा राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyiq.com या studyiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं ये कोड 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट्स जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।